important things about makeup. So hey guys, welcome back to my YouTube channel. It's Kanchi and I hope you all are doing well. So आज की video होने वाली है important things about makeup steps. आज मैं आपको makeup करके नहीं दिखाऊंगी, but आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से steps होते हैं जो हम miss कर देते हैं या हम अच्छे से नहीं करते हैं, या फिर हम वो करते भी हैं तो वो अच्छे क्यों नहीं होते हैं. सो ये सारी चीज़ें आपके क्वेश्चंस के आंसर मैं दूंगी इस पूरी वीडियो में. सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो फुल. एंड अगर आप जानते हो आपको क्या करना है, अगर वीडियो आपको थोड़ी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो अगर आपको मन हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. सो आई थिंक आई शुड स्टार्ट माई वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉइस्चराइजर, आई मीन पैम्पर करने से अपने स्किन को. कि आप लोग क्या करते हैं, फेस वॉश, टोनर, मॉइस्चराइजर एंड उसके बाद हम लोग अपना ये नॉर्मल बेसिक 3 steps के बाद हम लोग अपना मेकअप करना स्टार्ट करते हैं. बट यू नो कि अगर आप फेस वॉश करने के बाद आप तुरंत और डब डब करके आपने अपने फेस को पोछा एंड उसके बाद आप तुरंत टोनर लगा रहे हैं, तुरंत ही आप मॉइस्चराइजर लगा दे रहे हो, तो उससे क्या होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपके इतने स्किन केयर रूटीन का. क्यों? बिकॉज आप तुरंत अपने फेस को वॉश करके आ रहे हैं, तुरंत आपने टोनर लगा लिया. टोनर तो तब भी समझ आता है, लेकिन उसके तुरंत बाद मॉइस्चराइजर आपने उसको क्लीन नहीं किया, बट पहले तुरंत मॉइस्चराइजर लगा लिया. फेस वॉश करके आया आप, टोनर लगा लीजिए, उसको 1 मिनट टू 2 मिनट दीजिए ताकि वो सेट हो जाए अच्छे से एंड उसके बाद आप मॉइस्चराइजर लगाइए. मॉइस्चराइजर विंटर्स आ गए हैं तो विंटर्स के लिए मॉइस्चराइजर जब आप लगाओ तो अच्छे अमाउंट में लेके लाइट मॉइस्चराइजर ही यूज़ करना. मीन्स ठीक में भी लाइट आते हैं आजकल बहुत अच्छे अच्छे मॉइस्चराइजर जो कि ऑयलीनेस नहीं देते हैं आपके फेस को. बिकॉज अगर आपके फेस पे ऑयलीनेस होगी तो विंटर्स में भी आपका मेकअप केक ही लग सकता है. सो अगर आप मॉइस्चराइजर गुड अमाउंट में यूज़ कर रहे हो, अच्छे से अपने फेस को मसाज कर रहे हो, जब तक आपका मॉइस्चराइजर अब्सॉर्ब नहीं हो जा रहा तब तक आप प्राइमर की तरफ प्रोसीड नहीं करोगे. अगर आप प्राइमर लगा लेते हो मॉइस्चराइजर तुरंत लगाने के बाद, जैसे मॉइस्चराइजर एंड प्राइमर, देन वो आपका जो मेकअप रहेगा, आपका पूरा मेकअप होने के बाद वो पुट्टी लगाते हैं ना दीवार पे, जैसे वैसे पील होने लगेगा. आपने कभी कभार दीवार पे देखा होगा आपके घरों में से जो झड़ता है, उस टाइप से ऐसे 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 लेयर्स में पूरा निकल, बिकॉज आपने अपने मेकअप को सेट होने का टाइम ही नहीं दिया. आपने उसके बाद तुरंत पे लेयर पे लेयर लेयर पे लेयर लेयर पे लेयर आप लगाते चले गए एंड कॉज उसका तो वही होगा ना कि वो खराब हो जाएगा पूरा. मेकअप जो होता है बहुत ही पेशेंस से अगर आप कर रहे हो, आपको अच्छा मेकअप करना है तो अच्छे से बैठो शांति से एंड स्टेप बाय स्टेप रुको लगाओ करके आप अगर करोगे तो आपका मेकअप परफेक्ट होगा. अगर आप बिगनर भी हो तब भी आप ये ट्रिक यूज़ करोगे कि एक प्रोडक्ट लगाने के बाद आप उसको एटलीस्ट 1 मिनट दो उसको स्टे करने के लिए, उसके बाद आप कोई मेकअप प्रोडक्ट लिए प्रोसीड करो. ओके, देन हो गया. देन हम लोग अब अपना प्राइमर लगाते हैं. प्राइमर में आप लोग सोचते हो प्राइमर, ओ गॉड प्राइमर अब मैं कौन सी यूज़ करूँ जो बहुत अच्छे से पोर्स फिल करते हैं वगैरह का. सो यस, प्राइमर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आफ्टर आर स्किन केयर रूटीन. प्राइमर बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज जैसे कि मैंने कहा वो ऑयलीनेस को स्टोर करता है ना आपके फेस के पोर्स को फिल करता है. बट एज अ टीनेजर, अगर आप टीनेजर हो सो आपको इतनी ज़्यादा प्राइमर की ज़रूरत नहीं होती बिकॉज हम लोग के जो पोर्स रहते हैं वो इतने ज़्यादा ओपन नहीं हुए रहते. सो अगर आप थोड़ा नॉर्मल लगाते हो प्राइमर में, जैसे सब्स्टिट्यूट मैं बताती हूँ, आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो लाइक दिस. ये है मेरा टी ट्री एलोवेरा जेल. आप इस टाइप का कोई भी नॉर्मल एलोवेरा जेल अपने रेंज के हिसाब से यूज़ कर सकते हो प्राइमर के अलावा. वो भी आपको अच्छी खासी मीन्स लेयरिंग प्रोवाइड कर देगा. बट अगर आप अडल्ट हो तो आप कोई भी अपने हिसाब से अच्छा प्राइमर यूज़ कर सकते हो. देन वी मूव ऑन टू फाउंडेशन. फाउंडेशन अपने शेड का होना चाहिए एंड फाउंडेशन कभी भी आपको ऐसे अपने पूरे फेस पे लेयर वाइज नहीं लगा लेना है, जैसे कि मैं बताती हूँ ऐसे नो. इस टाइप के जो ब्रशेस होते हैं वो आपके फेस पे सिर्फ एप्लीकेशन का काम कर सकते हैं, ब्लेंड नहीं हो सकता इससे फाउंडेशन. सो डोंट ट्राई टू ब्लेंड इट विद दीज टाइप ऑफ ब्रशेस, आपका मेकअप खराब हो जाएगा. जस्ट यूज दीज टाइप ऑफ ब्रशेस टू ब्लेंड इट एंड ऐसे करके नहीं करना है आपको अपना कोई भी आप फाउंडेशन लगा रहे हो. सो आपको डैप डैप मोशन में रखना है देन उसको ऐसे ऐसे करना है. एंड स्पेशली अगर आप बिगनर हो एंड आपको ब्रश अच्छे से यूज़ करना नहीं आता है सो अवॉइड ब्रशेस. अब आप अपने आईज के लिए सिर्फ ब्रशेस यूज़ करो. आप यूज़ कर सकते हो ब्यूटी ब्लेंडर. मैंने कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट लगा लिया, जैसे कि मैंने कहा था लेयरिंग, मैंने पहले से मेकअप किया था बट दिखाने के लिए. सो लेट्स मूव ऑन टू कंसीलर एंड उसके बीच में हम लोग का क्या होता है, कलर करेक्टिंग.
कलर करेक्टिंग लोग सोचते हैं अब मेरे पास है तो मैं कर लेता हूँ, बट नहीं, अगर आपको ज़रूरत नहीं है कलर करेक्टिंग की एंड तब भी आप कलर करेक्टिंग कर रहे हो देन वो भी आपके लेयर्स में आता है एंड उससे भी आपका मेकअप ख़राब हो सकता है। एज अ टीनेजर्स, जैसे मैं टीनेजर हूँ तो मैं कलर करेक्टिंग की तरफ इतना नहीं जाती क्योंकि आई डोंट हैव दैट मच ऑफ डार्क सर्कल्स और डार्कनेस ऑन माई फेस कि मुझको उसको बहुत ज़्यादा हाइड करना है। बट अगर आपके फेस पे हो तो आप लिटिल बिट ऑफ कलर करेक्टिंग यूज़ कर सकते हो एंड आप अपनी रेड लिपस्टिक को भी एज अ कलर करेक्टर यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप फेयर हो तभी रेड कलर लिपस्टिक यूज़ करना, बिकॉज मैंने अपने ऊपर ये ट्राई करके देखा है कि अगर आप डल्स थोड़े से मींस डल स्किन टोन के और अगर आप रेडनेस यूज़ करते हो रेड, तो वो बहुत ही ख़राब रेडनेस आपके फेस पर प्रोवाइड करता है एंड वो गंदा लगता है। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना। और यू कैन यूज़ योर ऑरेंज लिपस्टिक, ऑरेंज लिपस्टिक आजकल बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, मे बी मैं तो नहीं यूज़ करती, बट अगर आप यूज़ करते हो तो आप यूज़ कर सकते हो। सो देन वी मूव ऑन टू अ पाउडर एंड ब्लश एंड कॉन्टोर। सो पाउडर हमने लगाया एंड देन तुरंत हम लोग ने पाउडर ब्लश लगा लिया एंड देन तुरंत हम लोग ने कॉन्टोरिंग कर लिया एंड देन उसके बाद ब्रोंजिंग। कॉन्टोरिंग और ब्रोंजिंग कभी दोनों साथ में नहीं होती, तो प्लीज़ ऐसे मत करिएगा। मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा जल्द बड़ी ना हो। ओके, सो आप पहले पाउडर से सेट कर रहे हो, देन ब्लश लगा रहे हो, देन कॉन्टोर कर रहे हो, देन हल्का हल्का पाउडर यहाँ पर लगा रहे हो। क्यों इतना ज़्यादा पाउडर की लेयरिंग आपको अच्छी लगती है? नहीं ना। सो आप पहले ब्लश लगाओ कंसीलर के बाद, कंसीलर सेट करने के बाद आपके इतना एरिया जो खाली बच रहा है जो ब्लश लगाओ कॉन्टोर लगाओ उसके बाद पाउडर से सेट करो। बाकी सब क्या करते हैं, कंसीलर यहाँ यहाँ आइस पे एंड यहाँ यहाँ लगाए पूरे फेस पे पाउडर से सेट करें। नो गाइस, सेट इट ऑन द एरिया यू हैव अप्लाइड ओनली कंसीलर। आपने जहाँ पे कंसीलर लगाया है सिर्फ वहाँ पाउडर अप्लाई करके देन आप अपना चिक बोन चिक एरिया अपना क्लीन रखो ताकि आपको ब्लश एंड कॉन्टोर या आप ब्रोंजिंग कर रहे हो तो वो बहुत ही ज़्यादा गंदा ना लगे। ओके, एंड जब बहुत ज़्यादा पाउडर भी होता है ना अपने फेस पे तो वो उससे भी मेकअप केकी लगने लगता है। नोट दी स्टेप्स। बाद हम लोग कहा था आई मेकअप, आई मेकअप के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप कैसे, आप इससे पहले ये वीडियो देख सकते हो, हाउ टू हाइड योर रिंकल्स एंड परफेक्टली अप्लाई योर आई शेडोज। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। एंड ब्रोज फिल करने के लिए भी आपकी ब्रोज बनी हुई है तो परफेक्टली आप अपनी ब्रोज फिल कर सकते हो। एंड ऑलवेज अप्लाई योर मेकअप विथ क्लीन हैंड्स गाइस। एंड स्किन केयर करते समय भी मुंह पे आप लगा रहे हो अपना स्किन केयर, हाथ वाथ पे मत लगाओ, प्लीज़ क्लीन योर हैंड्स बिफोर डूइंग एनीथिंग ऑन योर फेस। आप अच्छे से अपने हाथ को क्लीन करके देन अपने फेस पे जब तक ख़त्म नहीं हो जा रहे तब तक और कोई भी चीज़ टच मत करना, इट्स वेरी अनहाइजीनिक एंड उससे आपको एक्नेस एंड पिंपल्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। एंड इफ़ यू हैव एक्नेस एंड पिंपल्स तो उस पर आप अपना मेकअप लगा के उसको कवर करने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करो, बिकॉज वो और ज़्यादा एक्नेस आपके फेस पे ला सकता है। आप एक पैचेस यूज आते हैं आजकल हाइड टू हाइड योर पिम्पल्स एंड एक्ने, उस पैच को लगा के देन आप उसके ऊपर मेकअप करो तो समझ आता है बिकॉज एक लेयर है आपके पिम्पल के ऊपर। बट डायरेक्ट आप कंसीलर एंड फाउंडेशन कलर करेक्टिंग यूज़ कर रहे हो सो दैट सो इट कैन हार्म योर स्किन। ओके, सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू गाइज। मैंने बहुत जल्दी जल्दी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स आपको इस वीडियो में बताए हैं, सो डोंट फॉरगेट टू डू इट। एंड अगर आप इसमें से कुछ भी करते हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। लव यू ऑल।